देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया है सर, एक काम कीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, आपकी फोटो, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट और सब कुछ मुझे, मेरा आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूँ, आपका डिफॉल्टर ये चोर है, ये बंदे ने मेरे से इतना पैसा लिया, मैं सबको भेज देता हूँ और उसके बाद मैं आपके से माफी मांगता हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट करता हूँ। शांग मोहम्मद जी, हाँ जी बोलिए, आवाज आ रहा है ना आपको? मास्टर मैनेजर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है शत्रु चौधरी, मेरा नाम, मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपने आपने छोटी सा अमाउंट लिया था मात्र 4,000 रुपए का, और जिसमें आपका पेनल्टी जो है सर, इससे पहले सब बेवक किया गया था हमारे, आपकी आवाज सही कर लीजिए, आवाज आ रहा है आपको? हाँ बोलिए। ओके, आवाज आ रहा है मेरा, तो मैं बात कर रहा हूँ मास्टर मैनेजर एप्लीकेशन के लीगल डिपार्टमेंट से, मेरा नाम है सत्य चौबे। आपने एक बार हमारी सीनियर डिपार्टमेंट से आपने पैरेंटी को वेवअप करवाया था, और अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है मास्टर मैनेजर एप्लीकेशन का, आपने एक लोन लिया था, क्यों करो, मैं डिफॉल्टर हूँ, क्यों करो पेमेंट? सॉरी, किस तरह से पेमेंट पूछ रहे हो? मैं डिफॉल्टर हूँ ना, मेरे कॉन्टेक्ट पे कॉल करोगे, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करोगे, करो और मेरे कॉन्टेक्ट से ले लो पेमेंट, क्यों करो पेमेंट में? हाँ, तो मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करोगे, उसके फोटो डालोगे, ये बंदा चोर है, हाँ कितना प्रूफ दो तुमको, और पैसे पूछने में शर्म नहीं आती? सर लीगली आओ ना, आप लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो ना, तो लीगली आके लेके जाओ। सर देखिए, अगर लीगली लेके, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ऑनलाइन लोन लिया तो सर ऑनलाइन ही सारा करवाइए। सर मैं नहीं कर सकता, मैं ऑन रिकॉर्ड पहले भी आपके ओबी को भी, ओएम को भी बोल चुका हूँ, उससे सीनियर जो है उसको भी बोल चुका हूँ, अभी जो करना है कर लीजिए, लीगल आना है लीगल आनी है, पेमेंट नहीं होगा। देखिए हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपके साथ जो भी व्यवहार किया है, सर एक काम कीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, आपकी फोटो, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट और सब कुछ मुझे, मेरा आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूँ, आपका डिफॉल्टर ये चोर है, ये बंदे ने मेरे से इतना पैसा लिया, मैं सबको भेज देता हूँ और उसके बाद मैं आपके से माफी मांगता हूँ, उसके बाद मैं पेमेंट करता हूँ। बोलिए, रेडियो सर? देखिए अगर रेडियो हो इसका जवाब दो, हाँ या ना, हाँ या ना जवाब दो। नहीं देखिए, मुझे आपके सर देखिए भी के नहीं, मैं क्या सवाल किया उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए बस, आप लीगल डिपार्टमेंट से हो या कौन से भी डिपार्टमेंट से हो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट मुझे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता हूँ और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करता हूँ और मैं चोर बोल के आपको सब बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, उसके बाद में मैं पेमेंट करता हूँ। बोलिए हाँ या ना सर, हाँ या ना इसका जवाब दीजिए बस, उससे आगे मैं कुछ बात नहीं कर सकता। मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से बात करूं, आप हमारे साथ बात सर, मैं भी डिसिप्लिन से, मैं आपको गाली गलौज नहीं दिया, मैं भी आपको सर सर बोल रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताऊं, देखिए आपने आप जब लोन लिया था तो आपने कंपनी की हर एक पॉलिसी पढ़ा था, ठीक है? अरे सर हर एक पॉलिसी पढ़ी थी, आपकी पॉलिसी में ये नहीं लिखा हुआ था कि मेरे आप मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करोगे और मेरा व्हाट्सएप क्रिएट करोगे, कौन सी, किसने आपको परमिशन दिया और किस अथॉरिटी से आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, कौन सी एनबीएफसी से गाइडलाइंस में मुझे जरा बताना। फाइनल एनबीएफसी और आपके एनबीएफसी ने आपको परमिशन दी कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो और मेरे व्हाट्सएप सॉरी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करो, रेफरेंस नंबर किस लिए दिए जाते हैं, ताकि मैं फोन में होता हूँ तो मेरे रेफरेंस नंबर पे कॉल करो, ताकि ना कि मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करो। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 120 दिन पूरे होने के बाद, अरे सर उतने दिन तक कहाँ गए थे आप, मैंने 7 दिन के लिए लोन लिया था ना, मैं 7 दिन के लिए लोन लिया था ना, जिस दिन मेरा ड्यू डेट था उस दिन तुम मेरे सारा व्हाट्सएप क्रिएट करोगे और मेरे सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करोगे, ये कितनी तुम्हें अथॉरिटी दी? आपने आपने मेरे पास सुनिए, आपको तभी कॉल किया गया था, अरे सर आपके ओएम को या आपके जो सीनियर डिपार्टमेंट है, मैंने सारे कॉल सेंड किए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था वो भी सेंड किया था, आपके बंदे ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मैं कुछ भी पेमेंट नहीं करने वाला, जो आपको करना है करीजिए सर, और मैं फोन आएगा नेक्स्ट टाइम, आप एक फोन आएगा लीगल डिपार्टमेंट हो, सीनियर डिपार्टमेंट हो, जूनियर डिपार्टमेंट हो, रिकवरी एजेंट हो, सब मैं अपॉइंट नहीं कर दूंगा, जो करना है कर लीजिए, अभी मैं पेमेंट 1 रुपया नहीं देने वाला। मैं आपको क्या बोला हूँ, थैंक यू अब मैं इससे ज्यादा बात नहीं करता।
मैं आपसे सीधा ये बोलूँ कि सर अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो तो आपकी मर्जी है। हाँ वो कितना ही बस बोल दिया मैं, बस हो गया सर, पेमेंट नहीं करूँगा। आपका दिन शुभ हो। देखिए आपका दिन, देखिए मैं बता रहा हूँ कि आपका भी शुभ हो, लेकिन मैं आपको सीधा बोलूंगा कि आप एक मैच्योर मैन हो, आपने आपका उम्र 26 साल हो रहा है, आपने जो है फैमिली फंक्शन के लिए आपने लोन लिया था। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पेमेंट करूंगा जिस बंदे को मेरे सामने लेके आओ और उसका मेरे को आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका सेल्फी, उसका कॉन्टेक्ट लिस्ट तुम आगे मुझे दोगे। आपको आपके रिलेशन वाले भी लोन दे सकता था, बट आपके रिलेशन वाले आपको पेमेंट क्यों नहीं दे ये मुझे बताइए। अरे चिल्ला के बात करो, तेरे से ज्यादा मैं चिल्लाना जानता हूँ। अगर तू ये गाली देगा तेरे से सबसे ज्यादा गाली मैं दूंगा। मदद किया है तो उस मदद को आप भूलिए मत। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप अभी बोले कि मैं जितना चिल्लाएगा उससे ज्यादा मैं चिल्लाऊंगा। अभी मेरी तबीयत सही नहीं, उससे ज्यादा चिल्लाऊंगा। तू ये गाली देगा तो मैं 100 गाली दूंगा, ये याद रख ले। सर देखिए मैं आपके साथ अब्यूजिंग कभी भी नहीं करूंगा। हाँ आज तू चिल्ला के बात करेगा, मैं भी चिल्ला के बात करूंगा। अभी प्यार से मुझे सर 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 बोल रहा हूँ, इतनी देर से मैं चिल्ला के आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ लेकिन सर मैं आपको मशहूर हूँ, यहाँ से आपको मैं कितने प्यार से बात कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सर मैं भी आपको समझा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। सर देखिए मैं आपको सीधी से बता रहा हूँ, जो भी आपका किया सारा कुछ मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, आगे आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है सर, अभी ऑलरेडी हो चुका है ना उसका क्या, ऑलरेडी हो चुका है ना उसका क्या, हो चुका है ना। चलो चलो इस बात मैं तुम्हें 90% डिस्काउंट दे रहा हूँ। अभी मेरे सारे व्हाट्सएप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करो, मेरे कॉन्टेक्ट पे कॉल करो। इस बंदे ने जो किया था उसके लिए हम माफी मांगते हैं। विद इन 1 मिनट के अंदर मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, करो। है आपके इसमें हिम्मत, करो। क्या बोल रहे आप? मैं बोल रहा हूँ जिस तरह तुमने मेरा डिफॉल्टर का डाला था ना और मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल किए थे, उसी तरह बोल मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था, उसको माफीनामा लिख के भेजो, विद इन 1 मिनट के अंदर पेमेंट कर दूंगा। कर दो, माफी मांगो, रिकॉर्ड सेंड करो, प्रूफ दो। सर मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ, अगर हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपके साथ गलत वार्तालाप किया है उसके लिए मैं आपसे बेहद माफी चाहता हूँ, बेहद माफी चाहता हूँ। हाँ इसी के इसी का जवाब मैं देता हूँ, इसी का जवाब देता हूँ मैं, इसी का जवाब मैं देता हूँ। सुनो 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 सर सुनो सर, इसी का जवाब मैं देता हूँ। मैं एज ए कस्टमर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट दे दो, आपका आधार कार्ड दे दो, आपका पैन कार्ड दे दो, आपका सेल्फी दे दो, मैं आपका आपका ग्रुप क्रिएट करता हूँ, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करता हूँ, सिस्टम जनरेट नंबर से, और माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके साथ गलत किया, उसके बाद पेमेंट पूछ लेना। नहीं करते हैं सर, ये आगे एक्शन लिया जाता है, मैं आपसे एक्शन। अरे सर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता, मुझे पता है कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता, मुझे इतना मत सिखाओ, मैं भी काम किया हूँ रुपीलों में, ये मत समझाओ। आप पेमेंट नहीं करना चाहते? सर मैं सीधा बोल चुका हूँ ना आपके मुंह पे, सर पेमेंट नहीं करूंगा। सर मैं आप पेमेंट नहीं करना चाहते? नहीं करूंगा सर। ठीक है सर, आप कॉल कर दीजिए, मैं आपको नहीं कुछ कहूँगा। ठीक है।